आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने टिकट होते ही जनसंपर्क सभाओं और रैलियों का शुभारंभ कर दिया है। इसी के तहत करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने पीआर वाटिका खजूरी पुस्ते पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने सभी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सभी कार्यकर्ता विधानसभा के हर घर घर में जाकर वोट मांगे और मैं भी उनके साथ रहूंगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से हाथ उठाकर घर जाने के समर्थन की सहमति ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सर्दी में भी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ कुर्सियों पर बैठकर अपने प्रत्याशी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हाथ उठाकर अपने प्रत्याशी का समर्थन कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक ने कपिल मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता मुझसे अपने बीच में रहने का ही वादा करवा रही है। हमारे सोनिया विहार के पुराने प्रत्याशी जो निगम के रहे हैं सीपी शर्मा जी, आज उनका जन्मदिन था है, और हमारे चांदबाग के साथी जब्बार भाई, उनका जन्मदिन है। तो यही हम लोगों का है, हम लोगों की ज़िंदगी यही, हमारा परिवार यही है, तो हम आपस में ही केक काटते रहते हैं। आज उनका बर्थडे है, भगवान उनको सारी खुशियाँ दे, ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु से करूँगा। और आज ही हमने सुबह से सारे कार्यकर्ता घूम ही रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन सा बुला लिया लोगों से मिलने। भगवान की है जी, सब कुछ भगवान का ही है, हम लोग तो बस संघर्ष ही कर सकते हैं। नहीं, कोई भी युद्ध को आसानी से नहीं लेना चाहिए, कई बार बहुत आसान युद्ध भी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस से चलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो वही एक कार्यकर्ताओं को मैसेज था कि जब तक हम सर्टिफिकेट हाथ में ना जाए तब तक हम लड़े, तब तक हम संघर्ष करें, यही मैसेज था। ये एक बड़ा चुनाव है दिल्ली के लिए भी और करावल नगर के लिए भी, और जैसा कि दुर्गेश भाई ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है, उन्होंने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया है, अब बारी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और एक कहावत है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे देनी चाहिए, अब तो केजरीवाल जी ने हर घर में खुशहाली दी है, हर बल्ब ऐसे हंसते मुस्कुराते हैं क्योंकि जीरो बिल आते हैं, नल के पानी अब निकलते नहीं मानो खिलखिलाते हैं, स्कूल में चमकदार क्लासरूम, शानदार शिक्षा व्यवस्था, इतने बड़े खेल के मैदान बन गए, ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिला। भले ही मौसम सर्दी भरा हो मगर राजनीतिक गलियारों में अब चुनावी गर्माहट शुरू हो गई है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।